नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो कि मैं आज कोशिश करूंगी वो सारी चीज़ें बताने की जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे और शायद अभी तक ऐसा किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक है, ये जो आईने का खेल है ना, ये अगर 30 सेकंड तक आप लोग कर लेते हैं ना, तो ये 30 सेकंड में मिराकल कर सकते हैं। तो 30 सेकंड क्या खेल है, लेकिन उसे करना कैसे है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, देखिए बात यहाँ पर आती है कि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि मिरर के सामने खड़े होते हैं और बस शुरू हो जाते हैं अपनी ही बुराई करने के लिए। यानी कि जैसे मतलब कहते हैं कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, इतने सारे पिंपल्स आ गए, मेरी बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे देखने में अजीब सा लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, हम लोग ये जो नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं वो किसको कह रहे हैं, अपने लिए ही कह रहे हैं। कहाँ पर कह रहे हैं, मिरर के सामने कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक हम लोग अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि हमारा अवचेतन मन क्या करता है, उन्हीं बातों को पकड़ता है जिन बातों को हम काफ़ी इमोशन के साथ कहते हैं, फीलिंग्स के साथ कहते हैं, और मतलब इतना जोर लगाकर कहते हैं कि अवचेतन मन क्या करता है, उसे ही पकड़ता है जिसमें हमारा एफर्ट लगा हुआ रहता है। यानी कि मिरर के सामने खड़े होकर अगर आप अपने बारे में कुछ बातें कह रहे हो, तो दैट मीन्स आपको तो ये लग रहा है ना कि ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा दिख रहा है, तो आप उस पर श्योर हो ना। तो ये जो नेगेटिव एफर्मेशन, आप लोग इसे नेगेटिव एफर्मेशन ही कहते हैं कि आप अपने बारे में कह रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मिरर इसको ले रहा है और वही चीज आपकी चेहरे पर उसे वो प्रतिफलित कर रहा है। ठीक है, बाउंस बैक होती है, एनर्जीज बाउंस बैक होकर आप पर ही आ रही है, तो इसके बाद भी आपकी स्किन बुरी ही लगेगी, आपको एक डलनेस फील होगा, आपके बाल अच्छे नहीं है तो बाल खराब ही होंगे, क्योंकि हम इस पर ही जोर दे रहे हैं कि मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी नहीं लग रही है, मैं खुद अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। अब मैं आप लोगों को वो टेक्निक बता रही हूँ जो शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे। ठीक है, और देखिए ये सारी चीज़ें ना काफ़ी फीलिंग्स और इमोशन के साथ करनी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। करना क्या है कि जब भी आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे, तो आप गौर करेंगे कि आप एट अ टाइम आप दोनों आंखों को नहीं देख पा रहे हैं, है ना, आप किसी एक ही आंखों के इस मोती को हम देख पाएंगे, एक ही आंख को। ठीक है, करके देखो, एक ही आंख दिखेगा। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें राइट आई पर, ठीक है, यानी दाहिने आई पर फोकस करना है बिना पलक झपकाए। ठीक है, 30 सेकंड के लिए करना है, ज्यादा नहीं करना है। 30 सेकंड के लिए एक आई पर फोकस करके, यानी दाहिने आंख पर, बार बार कह रही हूं ध्यान से सुनना, दाहिने आंख से शुरुआत करनी है फिर बाएं आंख पर आनी है। ठीक है, तो दाहिने आंख पर सबसे पहले हमें फोकस करना है और अपनी इंटेंशन कहनी है। इंटेंशन क्या कहनी है, देखिए भगवान ने हमें जैसा दिया है, जैसा बनाया है, उस पर हम लोगों को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हम काले हो सकते हैं, हमारी स्किन खराब हो सकती है, हमारे बाल खराब हो सकते हैं, या फिर कैसे भी कुछ भी चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन वो देन तो भगवान की ही है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और ये 30 सेकेंड तक करना है। ठीक है, ये 30 सेकेंड आपको कहना है कि भगवान ने मुझे जो दिया है वो मैं कबूल करती हूँ, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मुझे ये काफ़ी प्रिय है, ये मुझे भगवान की देन है, एक उपहार है भगवान की तरफ से, एक गिफ्ट है भगवान की तरफ से, ये मुझे बहुत पसंद है। यानी कि आप अपने बारे में ही बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी बातें आपको कहना है, क्योंकि आप एकाएक अपने नैन नक्श नहीं बदल सकते, आप अपने होठ को नहीं बदल सकते जब तक आप सर्जरी नहीं कराते हो या फिर लिप के लिपस्टिक मतलब लिप के इंजेक्शंस नहीं लगवाते हो,
आप अचानक से अपने नोज को चेंज नहीं कर सकते हो जब तक आप सर्जरी नहीं कराते हो, तो कुछ चीज लॉजिकल समझो, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, दाहिनी आंख पर देखकर अपने बारे में जैसे हो जो भी हो एक्सेप्ट करो। उसके लिए भगवान को 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहो, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको बाएं आंख के लिए भी करनी है। बाएं आंख में भी आपको देखकर 30 सेकंड के लिए एकदम आंखों को देखना है, गौर करना है अपनी मतलब पुतलियों पर, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग समझेंगे कि नहीं, ठीक है। तो इस पर फोकस करनी है अपनी आंखों को देखकर, बाएं आंखों को देखकर। और देखने के बाद आपको सेम चीज अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहकर आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है, ठीक है। ये हो गया पहला नियम मिरर का, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब बात आती है कि बहुतों की बहुत सारी विश होती है कि मैंने क्या कहा है। कभी भी अपने विश को अगर सोचना चाह रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो हमेशा प्रेजेंट में सोचो, ना फ्यूचर में सोचना है कि वो मुझे मिलेगा या फिर मिला था, ऐसी चीजें नहीं करनी है। वो मुझे मिल गई है, मिल गई है मतलब क्या करना है, मानो आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए, मानो आपको कोई 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 ऐसी डिजायर जो आपको चाहिए, या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, उसके लिए आप चाह रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ये मनी की तरफ देखकर आपको कहना है, फील करना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है, और मिलने के बाद आप काफ़ी खुश हो, और खुश होने के बाद आप उस जीवन को कैसे जी रहे हो। ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी भयंकर चीज़ है और बहुत जल्दी काम करती है। आप इसको करके देखो, करने के बाद 30 सेकंड तक अपनी आईज के बॉल्स पर देखो, और देखने के बाद उसको आपको 30 सेकंड के लिए अपनी प्रेजेंट को फील करना है, ठीक है। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, और इसको फील करने के बाद आप देखना आपकी बहुत जल्दी विश कंप्लीट ज़रूर होती है। यानी कि ये हमने क्या किया, मैनिफेस्ट किया, ठीक है। अब चेतन मन क्या कर रहा है, जिस पर हमारे फीलिंग्स जा रहे हैं, जिस पर हमारे इंटेंशन जा रहे हैं, जिस पर हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो चीज़ क्या कर रहा है, मिरर हमें बाउंस बैक कर रहा है। और जब ये बाउंस बैक कर रहा है, तो मिरर क्या, मिरर की जो मतलब जब मिरर ने हमें बाउंस बैक किया, तो हमारे अवचेतन मन ने क्या किया, उसे ले लिया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं कहती हूँ आपको, बड़ा मतलब अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, थोड़ा समझ लेना, कि जब हम अपने आईने से बहुत अच्छे अच्छी अच्छी बातें कहते हैं ना अपने लिए, कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत अट्रैक्टिव है, हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, मेरे में तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है कि मैं दूसरों को कन्विंस कर सकती हूँ, या फिर कह लीजिए कि मैं किसी भी पार्टी में जाती हूँ तो लोग मुझसे काफ़ी इम्प्रेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है कि एक बाउंस बैक होकर हमारे चेहरे पर आ रही है, हमारे पर्सनैलिटी पर आ रही है, ठीक है। तो ये एक होता है ना, ये छाप पड़ जाना। और आप जब देखेंगे, खुद की तारीफ करेंगे ना, आप जब अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि किसी ना किसी वे में, या फिर आप जैसा खुद को बोले हो, वैसे ही बाहर के लोग आपके लिए फिर बोलेंगे, आपके सामने ही आके बोलेंगे। अगर आप कहते हो कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, मतलब मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, देखेंगे आप जब अपने लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे एफर्मेशंस कहेंगे, तो कुछ ही दिनों में, या फिर किसी किसी को तो तुरंत ही मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाते हैं। यानी कि आप जब अपने के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो बाहर से भी वही कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिल जाती है, और यही है मैजिक मिरर का। तो इसको समझना है, इसको करना है, अपनी इंटेंशन डालनी है, अपने मन की जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, इसमें डालनी है। अगर आप खुद को देखकर ही गलत बात करोगे, या फिर आप खुद से ही खुश नहीं हो, तो फिर आपका एक एक रोम वो भी उस खुशी को क्या करेगा, धीरे धीरे दुख में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसे मुरझा जाना पड़ेगा। तो आपको अपनी एनर्जी को, अपने सेल्स को मुरझाना नहीं है, आपको क्या करना है, इसे और ज़्यादा विकसित करने के लिए खुद को कॉम्प्लीमेंट्स दे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे कि आप इतनी सुंदर हो, और तुम इतनी सुंदर हो, अपने नाम लेकर कहे और फील करें, जो भी आपके डिज़ायर है वो आपको मिल गया, उसके बाद की खुशी क्या है, वो खुशी को उस मिरर के सामने दिखाइए। देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि एक पॉकेट मिरर भी रखा कीजिए कभी कभी अपने पास में,
ठीक है। जब भी आपके पास एक पॉकेट मिरर हो ना, उस पॉकेट मिरर को आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा निकाल कर, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप सीधा निकालो और निकाल के कहो आई लव यू। ये भी तीन बार कहना है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखेंगे आपके जितनी भी मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं और हमारी जो अंदर की जो एक ऊर्जा है ना, वो और ज़्यादा धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए भी हमें खुद की प्रशंसा आईने के सामने खड़े होकर करनी बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो तो। ठीक उसी तरीके से किसी पर्सन को मांग रहे हो, किसी पर्सन के साथ कोई डिज़ायर है, मैंने जैसा कहा कि उस रिलेशन को लेकर आप उसके साथ कैसे घूम रहे हो, फिर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब एक अच्छा रोमांटिक सा समय है उसको कैसे बिता रहे हो, इस चीज़ को फील करना है मिरर के सामने, देखना है ये बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है, ये होती है मिरर टेक्निक। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बस ये 30 सेकंड का खेल है, अगर आँखों में आप आंखें डालकर, यानी दाहिने आँख को पहले देखेंगे फिर बाएं आँख को पहले देखेंगे, एक बार में हम दोनों आँखों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टेक्निक को 30 सेकंड का खेल है, बस करके देखिए, अपने लिए जितनी तारीफ हो सके करके देखिए, बस इसके बाद तो फिर आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और इसे रेगुलर करना है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक दिन के लिए करना है, रेगुलर करना है। आपकी कोई भी विश है, एक एक करके आप इसको फुलफिल करने दीजिए। और अपनी अगर तारीफ करनी है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी तारीफ कीजिए, आप बचपन में कैसे थे, कितने क्यूट लगते थे, अगर हो सके तो उस मिरर में अपने बचपन की तस्वीर लगा दीजिए और बस उस तस्वीर को देखिए और सोचिए कि आप कितने क्यूट थे, आप कितने इनोसेंट थे, कितने प्यारे थे, कि लोग आपको कितना प्यार करते थे। इस सारी चीज़ों को, सारे इंटेंशंस को आपको उस मिरर के सामने फील करना है। ठीक है, बस खेल 30 सेकंड का है, आँखों में आँखें डालकर करना है। तो देखिए इसको, इस टेक्निक को ज़रूर अपनाइए और मुझे आकर ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भर नमस्कार।